Hi friends, today we are studying about the role of the government in health. It is NCERT class 7 second chapter. तो दोस्तों मैं आज हम आप लोग के साथ पढ़ने वाला हूँ the role of the government in health. हम लोग आप जानते ही है कि अभी कोरोना पीरियड है. इस पीरियड में हेल्थ के बारे में सब लोग को अच्छे से मालूम होगा. तो आज हम दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी गवर्नमेंट हमारी हेल्थ के बारे में सोचती है, क्या क्या पॉलिसी प्रोग्राम ये सब बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हमारे सरकारी और निजी अस्पताल हमारे यहाँ काम करते हैं. सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिक होता क्या है, लोकतांत्रिक होता क्या है. डेमोक्रेटिक ऐसा सरकार जिसको हमारे द्वारा मतलब लोगों के द्वारा चलाया जाता है. वो दो प्रकार के हो सकते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक. ये हम आगे के चैप्टर में देखेंगे. लेकिन डेमोक्रेटिक क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही हो ही गया होगा कि हमारे द्वारा चलाया गया सरकार. तो आज हम लोग डेमोक्रेटिक के बारे में थोड़ा सा तो जान लिए. अब हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोग कैसे अब इसको आगे बढ़ाएंगे. हम अपने चैप्टर को बढ़ाते हैं. तो अब सरकार हमारे क्या करते हैं, अब सरकार हमें क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, गवर्नमेंट कैसे हम लोग सोसाइटी को वेलफेयर सोसाइटी बनाते हैं, कैसे हमारे देखभाल करते हैं. गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे एडुकेशन को, हमारे शिक्षा व्यवस्था को संचालित करते हैं और अच्छे से चलाते हैं. फिर हमारे हेल्थ को हमें एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रोजगार देते हैं. फिर हाउसिंग फैसिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारे गवर्नमेंट के कर्तव्य है. इसी के लिए हम लोग लोकतांत्रिक सरकार को चुनते हैं जो हमारे लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं. आगे हम लोग चलते हैं ये चैप्टर को बढ़ाने के लिए कि हेल्थ क्या होता है. हेल्थ एक सिंपल मीनिंग है जो कहीं पर भी देखने को मिलेगा कि हमारी जो एबिलिटी होती है लर्ने की, हम जब स्वस्थ रहते हैं उसको हम हेल्थ कहते हैं. मतलब कि हम लोग जो स्वस्थ है, मतलब कि बीमार नहीं है ना इंजरी है, हम लोग जो स्वस्थ रहते हैं उसको हम लोग हेल्थ कहते हैं. ठीक है, अब हम ये सिचुएशन को तो हम लोग अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि हेल्थ क्या होता है, कैसे हम अपने हेल्थ के प्रति कंसर्न है. आज हम इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे. ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि हेल्थ को हम लोग कैसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पुरानी कहावत है हेल्थ इज वेल्थ. जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, टाइम का टाइम वेल्थ ये सब का नुकसान होता है. इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपना सतर्कता के साथ काम करते हैं कि हमारे हेल्थ ना नुकसान हो और ना हमें आगे कई झेलना पड़े कोई कष्ट. अब हम देखते हैं कि हमारे हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं, कौन से डिजीज है. कभी तो सबसे अच्छा डिजीज का तो एग्जांपल है कोरोना. ये हम लोग तो इस वर्ड से वाकई ही होंगे. ठीक है, अब जैसे कि हम लोग पीपल लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन बहुत सारी सरकारें बहुत सारी एजेंसियां इसको अब पूरा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. हम लोग चाहते हैं अच्छे पानी मिले, अच्छे ड्रिंकिंग वाटर मिले और फिर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, हमारे स्वस्थ हवा मिले. ये सब हम लोग चाहते हैं, लेकिन इसके ये सब हम लोग को आसानी से नहीं मिल पाता है क्योंकि आज पॉपुलेशन बहुत हाई हो चुका है. बहुत सारे लोगों को ये सब परेशानी का सामना करना पड़ता है और अभी तो हम लोग जो देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी, ये सब हमारे कारण ही हुआ है जो हम प्रगति को ऐसा करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे शोषण करते हैं हम अपने प्रगति को नेचर को. अब हम लोग हेल्थ केयर कैसा है इंडिया में ये हम देख लेते हैं. हेल्थ केयर मतलब इंडिया का तो रैंकिंग हमेशा अच्छी नहीं होती है. मैं अगर कोई भी रिपोर्ट निकले तो इंडिया का रैंकिंग 100 से ऊपर ही होती है क्योंकि हेल्थ केयर हमारी उतनी अच्छी नहीं है. या इसमें बहुत सारे फैक्टर है, ये फैक्टर उतनी हम लोग को
पढ़नी नहीं है और ये फैक्टर हम लोग को आगे पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर अगर देख लेते हैं इंडिया का हेल्थ केयर में क्या क्या आते हैं। इंडिया का हेल्थ केयर जैसे कि फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलती है, फिर लेबोरेटरी, फिर हमें टेस्टिंग, फिर हमारे एम्बुलेंस हो गए, बस एम्बुलेंस हो गए, सर्विस हो गए, फिर ब्लड बैंक हो गए, ये सब फैसिलिटी हमारे लोगों को आसानी से मिल पाती है, जिसके कारण हम लोग अच्छे से बीमारी से निपटारा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम अभी देखने को मिला है कोरोना पीरियड में, जिसको हम लोग भली बात ही जानते हैं। अब हम देखते हैं कि ये फैसिलिटी हमारे कौन से फैसिलिटी कौन से व्यक्ति देते हैं। जैसे कि हमारे हेल्थ फैसिलिटी में सबसे अच्छे सबसे पहले डॉक्टर आते हैं, फिर हेल्थ वर्कर आते हैं, जैसे आशा हो गया, नर्स हो गया, फिर मेडिकल स्टाफ हो गए, ये सब हमारे हेल्थ फैसिलिटी में आते हैं। फिर जो हमारे टैंगुलोसिट करने वाले हो गए, ये सब हमारे हेल्थ फैसिलिटी में आते हैं, ये हेल्थ फैसिलिटी के कर्मचारी लोग होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में डॉक्टर की कितनी संख्या है, हॉस्पिटल की, फिर हॉस्पिटल कौन से है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, सरकारी हॉस्पिटल हो गए, ये सब हम लोग देखते हैं। अब ये जो हमारा सिस्टम है, हमारा हेल्थ सिस्टम है, मेनली दो प्रकार से चलते हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, एक पब्लिक हॉस्पिटल, ये दोनों हम लोग आगे आगे विस्तार से पढ़ेंगे आगे टॉपिक में, ठीक है। तो आगे चलते हैं जो हमारे आगे वाला टॉपिक है। आज देखिए, आज हम लोग के कंट्री में क्या बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि मनी, नॉलेज, पीपल विद द एक्सपीरियंस, ये सब के कारण हमारे जो हेल्थ फैसिलिटी है वो अच्छे तरीका से नहीं मिल पाते हैं। जैसे मनी प्रॉब्लम हो गया कि हमारे जो हॉस्पिटल होते हैं वेल टेक्निक और वेल टूल से नहीं हो पाते हैं, फिर नॉलेज हमारे डॉक्टर लोग ज्यादा नहीं होते हैं, हमारे जो नर्स स्टाफ है वो ज्यादा नहीं है, इसी के कारण हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग जीते हैं आज के दिनों में। ये तो हम लोग देखते हैं न्यूज चैनल हो गया या जहां भी देखो, ये सब हमको लोग को मिल जाता है। अब हमारी जो एनसीईआरटी में एक स्टोरी दिया हुआ हकीम से, हकीम से जो मेंबर रहते हैं पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, मतलब एक प्रकार के समिति है जो उसके ये मेंबर रहते हैं, ये मेंबर रहते हैं जो जिसके कारण ये अच्छे खाते एग्रीकल्चर लेबर रहते हैं वेस्ट बंगाल के। लेकिन एक इनके साथ क्या घटना घट जाती है कि ये 1992 की स्टोरी है, 1992 में क्या होता है, इनके साथ एक एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो जाता है रेलवे में, रेल में जब सफर करते रहते तो भाई इनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, ये इंजुरेड हो जाते हैं और उनकी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। ये इनके पास उतने पैसे नहीं होते जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, लेकिन इसके कारण ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं कोलकाता के। लेकिन यहाँ पे कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो लोग होते हैं, मतलब स्टाफ डॉक्टर, इन्हें एडमिट नहीं करता है, इनको रेफर कर देता है। फिर ये रेफर करते करते क्या होता है कि ये बहुत सारे हॉस्पिटल में जाते हैं गवर्नमेंट में, इनको रेफर करते रहते हैं, जिसके कारण इनको 14 घंटा तक क्रिटिकल कंडीशन में ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते रहते हैं, लेकिन इन्हें कोई रेफर मतलब कि एडमिट नहीं करता, सब इनको रेफर कर देता है। तो इनके लास्टली ये काम प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया जाता है और इनका ट्रीटमेंट होता है। इसमें इनको बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है और बहुत सारे पैसा इसमें खर्च हो जाता है। ये तो बेचारा गरीब आदमी था, इसके पास उतना रुपया नहीं रहता है। इसके कारण इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना एक केस फाइल कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इनको अच्छा से हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पाया, जिनके कारण इनका बहुत सारे पैसा नुकसान हुआ, फिर लाइफ डैमेज हुआ, ये सब डैमेज होता है। अब देखते हैं कि आगे क्या इनके केस में होगा या क्या नहीं होता, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा और चीज जान लेते हैं। पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर हमारे देश में है। जैसे पब्लिक हेल्थ केयर जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, प्राइवेट हेल्थ केयर जो हमारे निजी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया उसके द्वारा चलाया जाता है। पब्लिक हेल्थ केयर हम लोग पहले देख लेते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर में क्या होते हैं,
ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये देखते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर जो क्या होते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये रन कराया जाते हैं। मतलब क्या था, हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन कराया जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पब्लिक हेल्थ के दोनों जगह अर्बन और रूरल एरिया में होते हैं। अर्बन और रूरल एरिया मतलब कि शहर में भी होते हैं और गांवों के क्षेत्र में भी होते हैं पब्लिक हेल्थ केयर। ये इसमें क्या है, बहुत सारे फैसिलिटी होते हैं लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं। कॉमन प्रॉब्लम जैसे कि मेडिकल स्टाफ को ना होना, डॉक्टर को ना होना, मेडिकल टूल्स किट ये सब ना होना, फिर दवा ना होना, ये सब हमारे मेडिकल फैसिलिटी में देखा जाता है। अब देखते हैं कि हमारे गांव में क्या होता है, गांव में क्या विलेज लेवल पर कैसा हेल्थ केयर होता है। विलेज लेवल पर मतलब कि विलेज लेवल ब्लॉक लेवल पर हेल्थ केयर होता है, फिर जो अच्छे थोड़ा बड़े गांव है उसमें होते हैं। उसमें क्या होता है, एक डॉक्टर होते हैं, एक नर्स होते हैं और एक विलेज हेल्थ वर्कर लोग होते हैं। ठीक है, ये लोग होते हैं, ये पूरे डॉक्टर मैनेज करते हैं उस हॉस्पिटल को और चलाते हैं। ठीक, यहाँ पे लेकिन भी बहुत सारे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ट्रेनिंग एक मेन प्रॉब्लम है। जो हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ नर्स डॉक्टर को तो लगभग मिल जाते हैं लेकिन स्टाफ हो गया या जो विलेज वर्कर हो गया उसको ना मिल पाते हैं, जिसके कारण उनके अच्छी अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती, इसके कारण वो अच्छे से नहीं चला पाते हैं। ये बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम है लेकिन बहुत सारे डॉक्टर स्टाफ मेडिकल स्टाफ लोग ये बहुत सारे अच्छे होते हैं, जो ज्यादातर विलेज के जो बीमारी होते हैं उसको से निपटारा दिला देते हैं उन लोगों को। ठीक, तो अब सबसे पहले यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर PHC, ये इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ये हमारे विलेज में अक्सर देखा जाता है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ये हमारे विलेज में देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर जो ज्यादातर ब्लॉक में या कोई अच्छे गांव में, मतलब जो थोड़े जनसंख्या वाले गांव हैं वहां पर भी होते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर होते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। उसके बाद आगे चल के जो मेडिकल कॉलेज हो गए, जैसे मेडिकल कॉलेज जो दो तीन डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक मेडिकल कॉलेज, अब तो मोदी सरकार ने लाया कि हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक मेडिकल कॉलेज बनेंगे। इसके ये होने के बाद हमारे जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो ज्यादातर ठीक हो जाने की संभावना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सिख साहब गए थे उसने क्यों रिफ्यूज कर दिया, क्यों उनको एडमिट नहीं किया, वो क्यों रिफ्यूज कर देते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर का बहुत सारे रीजन है जो फिलफिल किया जाता है हमारे सिटीजन को देने के लिए। हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको कमिटमेंट रहता है कि ये सब सिटीजन को देना है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम देखे, अभी भी कोरोना पीरियड में भी देखते हैं कि हमारे जो हेल्थ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिला। न्यूज में तो हमेशा देखने को मिलता है, उसे मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पब्लिक हेल्थ केयर को कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे इसको रिसोर्सेस मिलता है, कैसे ये रन करता है, कैसे ये अपना एडमिटेशन करता है, ये रिसोर्सेस कहाँ से मिलता है, इसको पब्लिक हेल्थ केयर को रिसोर्सेस कहाँ से मिलता है। पब्लिक हेल्थ केयर को रिसोर्सेस हमारे गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से लाती है, गवर्नमेंट पैसा हम ही लोग जो टैक्स पे करते हैं उससे ही लाती है। मतलब हमारा जो टैक्स होता है उससे हमारे गवर्नमेंट ये सब चलाते हैं। गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाती है, हमारा जो टैक्स होता है उससे ये लोग चलाते हैं। ठीक है, ये टैक्स से चलाते हैं। उसके बाद हमारे फैसिलिटी जो हमें प्रोवाइड करती है, बहुत सारे फैसिलिटी है जो हमें प्रोवाइड करती है। ठीक, अब बहुत सारे फैसिलिटी है जो इनका जो कॉस्ट होता है वो लो कॉस्ट होता है, मतलब कि जो प्राइवेट से लगभग 100 गुना कम रुपया ही होता है। मतलब कि गवर्नमेंट में जाते हो तो अगर आपको फीवर उवर है तो 100 रुपया में हो जाएगा, लेकिन वही प्राइवेट में जाओगे तो ये डायग्नोस्टिक वो टेस्ट ये सब करते करते 5,000 का बिल दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लो कॉस्ट होने के कारण यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन जाते हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं उनके पास, जिनके पास पैसा की कमी होती है वो जाते हैं वो अपने हेल्थ फैसिलिटी लेने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे डिजीज जाते हैं, TB हो गया, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, कॉलरा, डायरा, ये सब चिकनगुनिया, ये सब जो
बीमारी है, ये सब बीमारी के हमारे हॉस्पिटल में इलाज आसानी से उपलब्ध है, लेकिन अगर अच्छा एडमिटेशन रहा तो हम लोग अच्छा से ये बीमारी का निपटारा कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे जो अभी जैसे कि अभी कोरोना हो गया, कोरोना का इलाज अभी बहुत सारे हॉस्पिटल में नहीं है, जो हम लोग हमेशा केस देखते रहते हैं, न्यूज चैनल में हमेशा देखता रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो जैसे कि हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम लाती है, प्रोजेक्ट लाती है, जो क्या करती है सिर्फ हमें अवार्ड करती है, अवार्डनेस देती है कि हमें ये बीमारी से ऐसे बचना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इसका ये इलाज होना चाहिए, हमें ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज। अभी जैसे कि कोरोना है तो गवर्नमेंट जैसे सभी एडवर्टाइजमेंट टीवी मोबाइल सोशल मीडिया सब पर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि कोरोना से ऐसे बचना चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे शेख साहब क्यों केस करते हैं, ये कोर्ट में क्यों केस करते हैं और कोर्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं ये केस में, अब हम ये लोग देखते हैं। ये हकीम, ये जो शेख साहब है इसका केस हम लोग अभी भी देख सकते हैं। कोरोना पीरियड में कोई भी आदमी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, कोई भी पेशेंट अगर उसको लेने से इनकार कर देता है, तो वो आदमी डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है। अब देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल, इट विल द ऑल मींस द होल पीपल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी गवर्नमेंट होगी, कोई भी सरकार हो, ये सरकार के नाम ले रही है, कोई भी सरकार हो, उनको सभी लोगों को हेल्थ केयर देने पड़ेगी, प्राइमरी हेल्थ केयर देने पड़ेगी, ये फैसिलिटी सभी लोगों को। ऐसा नहीं कि ये सरकार हो तो ये फैसिलिटी इन कोई भी सोशल एक विशेष कास्ट सोसाइटी को ना दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट इसको सेफ गार्ड करती है कि राइट टू लाइफ टू एवरीवन, ये कोर्ट कहते हैं। और यही क्लेम पर ये जो हमारे थे शेख साहब यही क्लेम करते हुए कोर्ट गए, और कोर्ट गए तो कोर्ट ने ना इनको सिर्फ एक सहानुभूति दी, इनको कंपनसेशन देते, और जो गवर्नमेंट ऑफ हॉस्पिटल में जो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो उनको पेनल्टी लगाया, फिर जो दोषी थे उनको सजा भी मिलती है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहां पे हमको सभी फैसिलिटी मिलना चाहिए, मिलती है। अगर वो फैसिलिटी देने में सक्षम ना हो तो वो सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे है वो फैसिलिटी दे। आज के पीरियड में देखा कि कोरोना के पीरियड में कि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो उसकी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे वो हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराए वो लोगों को। जैसे कि बहुत सारे यूपी में देखे हम लोग ने कि योगी सरकार ने क्या किया कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं थी तो वो सरकारी पैसे से वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने लोगों को शिफ्ट किया, जो यहाँ पे उनका अच्छे से इलाज हुआ। ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी होती है कि सभी लोगों को ट्रीटमेंट करे, वो कैसे भी करे वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, बस ट्रीटमेंट किया जाता है। आगे हम चलते हैं कि ये कोर्ट, ये जो कोर्ट है ये गवर्नमेंट की ड्यूटी को जो ड्यूटी है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराए। ठीक है, अब हेल्थ फैसिलिटी जैसे ट्रीटमेंट इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे शेख साहब का ट्रीटमेंट ना होने के कारण हॉस्पिटल को यहाँ पे जिम्मेदारी लेनी पड़ी, उसमें यहाँ पे पेनल्टी मिला और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको कंपेंसेशन दिए शेख साहब को। ऐसे केस सभी लोगों के साथ हो कर सकते हैं। अगर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी लेने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आपको ना मिल पाए तो आप ऐसी कंडीशन में आप कोर्ट जा सकते हैं। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी जो ज्यादातर हमारे कंट्री में है, क्योंकि ये प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी कौन रन करते हैं, ये कोई प्राइवेट प्लेयर रन करते हैं, प्राइवेट आदमी भी रन करते हैं, जो कोई भी डॉक्टर हो गए जो प्राइवेट हो गए वो क्लिनिक अपना खोल के रन करते हैं। यहाँ पे जो रूरल लेकिन ये रूरल में एक रूरल एरिया में एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने की भी हमारे लॉ में संविधान है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMPS जो कहते हैं क्या कि सभी डॉक्टर को
रूरल एरिया में भी अपनी फैसिलिटी देनी जो है कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक। लेकिन अर्बन एरिया में जो हमारे डॉक्टर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी में उनके मुताबिक गांव में अच्छी फैसिलिटी ना मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर लोग ज्यादा रूरल एरिया में नहीं जाते हैं, अर्बन एरिया में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में जो यहाँ पे भी वही फैसिलिटी होते हैं कि नर्स होते हैं, लाइब्रेरी होते हैं, टेस्ट होते हैं, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, ये सब ज्यादातर फैसिलिटी होते हैं जो हमारे एरिया में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी में होते हैं। यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे पैसा ज्यादा लगते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट क्लियर है, इनको कोई समाज सेवा करना नहीं है, तो इन्होंने ज्यादा अपने फी रखा है हेल्थ फैसिलिटी, लेकिन बेहतर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोनों जगह पे अगर एडमिटेशन अच्छा से किया जाए तो दोनों जगह पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अब जो प्राइवेट फैसिलिटी हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, लेकिन क्या प्राइवेट हॉस्पिटल भी ज्यादा रूरल एरिया में ना खोल के अर्बन एरिया में खोलते हैं? यहाँ तक कि जो हमारे जो ट्राइबल एरिया है, मतलब वहां पे ये हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं होता, ना प्राइवेट को जाते ही नहीं है, क्योंकि वहां पे वो उनका सोच है कि वहां पे पैसा नहीं मिलेगी, वो वहां पे ज्यादा लोग नहीं होंगे, जो इसीलिए वो प्राइवेट लोग ट्राइबल एरिया में नहीं जाते। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो रूरल जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो अच्छा फैसिलिटी देते हैं, मतलब एक ही कंपाउंड में आपको एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मेडिकल टूल, मेडिकल शॉप, ये सब एक ही कंपाउंड में मिल जाएगा, लेकिन एक ही कंपाउंड में मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, अब हम देखते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी और इक्वलिटी है कि नहीं, मतलब हेल्थ फैसिलिटी सबको इक्वल मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, गरीब लोगों को मिला हुआ है या अमीर लोगों को ज्यादा मिला हुआ है, ये देखते हैं। अभी तो कोरोना पीरियड में देखते हैं कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी जिम्मेदारी उठाए हुई है, जितना भी फैसिलिटी है वो गरीब लोगों को फ्री में देने की कोशिश करते हैं, और वो यहाँ पर मिलता भी है। अब हम देखते हैं कि प्राइवेट, अभी इंडिया में जो प्राइवेट सर्विस का जो कंडीशन है वो क्या, प्राइवेट सर्विस का कंडीशन दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है, मतलब आजादी के समय इतनी प्राइवेट डॉक्टर या प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं थे जितनी अभी 70 साल के बाद देखने को मिलती है। बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में मिलते हैं, अर्बन एरिया में ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पे क्यों मिलते हैं, क्यों अर्बन एरिया में ये ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ये जो रन करते हैं वो प्रॉफिट होते हैं, इनका कॉस्ट सर्विस हाई होता है, इनका जो फैसिलिटी होती है वो ज्यादा महंगी होती है, यहाँ तक कि ये जो मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, अमीर लोग ही ज्यादातर ये मेडिकल फैसिलिटी को ले पाते, गरीब लोग ना ले पाते हैं। जो पीपल होते हैं वो ज्यादातर पीपल इसको एफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं पैसा दे पाते, इसलिए वो ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद करते, क्योंकि इनके इनके प्राइवेट हॉस्पिटल इनके पॉकेट से बाहर की चीज होती है। अब देखते हैं कि ज्यादा पैसा कहाँ लगता है, पैसा ज्यादा कहाँ लगता है, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में लगता है, यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी होती है अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे महंगे होते हैं। बहुत सारे जो डॉक्टर है वो क्या करते हैं, ये यहाँ पे क्या करते हैं कि ये अनफीस जो नई दवा की जरूरत होती है वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब कि अगर आप एज यूजल कोई भी पेशेंट को क्या बीपी है तो एक दो टैबलेट से काम चल जाता है, लेकिन क्या करते हैं वो अननेसेसरी मेडिसिन, इंजेक्शन, सलाइड बोतल, टैबलेट, ये सब लिख देते हैं, जो क्या होता है कॉस्टली हो जाता है, मतलब कि एक अगर बीपी पेशेंट है उसको महीना का 200-300 में दवा में काम चल जाता है, लेकिन क्या करते हैं उनको गैस का टैबलेट, वो भी एक दो गैस का टैबलेट लिख देंगे, एक कप सिरप लिख देंगे, उसके बाद जो और सुविधा है वो जैसे कि अच्छे अच्छे दवा, मतलब प्रोटीन, विटामिन टैबलेट, ये सब की दवा लिख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी कॉस्ट फैसिलिटी बढ़ जाती है, उनका जो मेडिकल एक्सपेंसिव होते हैं वो बढ़ जाते हैं, लगभग क्या होता है, लेकिन ये क्या होते हैं कि प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी मुश्किल से 20% ही लोग हमारे इंडिया के एफोर्ड कर पाते हैं जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा पाए, इसीलिए वो ज्यादातर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, और उनको मजबूरी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है,
और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हम लोग कहानी तो जानते ही है, लेकिन अब दिन को तो दिन हमारा देश बदल रहा है, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी आप अच्छी खासी एडमिटेशन होती है। अब हमारे जो रिपोर्ट के मुताबिक क्या कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग ज्यादा जाने पसंद करते हैं, क्योंकि फैसिलिटी अच्छी मिलती है लो कॉस्ट पे। लो कॉस्ट पे मतलब कि उनके पॉकेट से ज्यादा पैसा नहीं खर्च होता है और वो ज्यादा जाना पसंद करते हैं। अब जो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं हो, डिप्रे है, वो स्ट्रेस रहे, उनको क्या करेंगे, वो आखिर नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके तो पॉकेट से पैसा उतना पास उनका उतना नहीं होने के कारण वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि लैक ऑफ मनी के कारण बहुत सारे लोग मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होते, जिसके कारण कि हमारे आज से 25 साल 30 साल पहले जो हम लोग देखते थे कि मेडिकल ट्रीटमेंट न होने के कारण गांव के लोग जल्दी मर जाते हैं, मतलब कि जैसे डिलीवरी होता था उसमें ज्यादातर डेथ रेट से होता था, फिर इंफेंसी बच्चे लोगों का ये सब केस क्या हुआ धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि हमारे जो मेडिकल फैसिलिटी है वो अच्छे होती गई, और मेडिकल फैसिलिटी अच्छे होने के कारण हमारे जो ग्रामीण लोग भी है वो अच्छे कर तरीका से प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाते लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलती है। लेकिन क्या होता है कि ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात होगी, लेकिन अब हम लोग ट्राइबल एरिया में देखते हैं, बहुत सारे ट्राइबल एरिया में क्या होता है कि सरकारी हॉस्पिटल तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम होती है, गवर्नमेंट उतना रिसोर्सेज न होने के कारण वहां पे जाते हैं। लेकिन क्या होता है जो पब्लिक हॉस्पिटल तो और नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां पे पैसा नहीं है, और वो कहेंगे कि अरे पैसा है ही नहीं, हम इतना इन्वेस्ट करेंगे लेकिन हमें कुछ नहीं बेनिफिट मिलेगा, इसलिए क्यों जाए ये ट्राइबल एरिया में। तो अभी ट्राइबल एरिया में क्या होता है कि ट्राइबल एरिया में अभी भी ये कष्ट है हॉस्पिटल का, इसको गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये बढ़ावा मिला है, बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हैं ट्राइबल एरिया में, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। अब चलते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारे जो प्राइवेट मेडिकल सेक्टर है वो क्या कर सकते हैं, हम कैसे हम ये इस सबको दूर कर सकते हैं। इसके हम लोग जो देखे हैं कि अभी भी नो डाउट कि हमारे जो कंडीशन है वो अभी भी बेहतर नहीं है, जित वर्ल्ड लेवल का नहीं है, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है या जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है वो भी कुछ सेक्टर अच्छे अच्छे सेक्टर हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि हो गया ये अरविंद आई केयर जो चेन्नई में आई थिंक, या फिर उसके बाद जो हमारा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो गया, ये सब भी क्या होता है वहां पे प्राइवेट है, एट लाइक सेमी गवर्नमेंट होते हैं, वहां पे क्या होता है अच्छा फैसिलिटी मिलते हैं, जिनके पास पैसा होते हैं उनको भी फैसिलिटी मिलते है, वही है कि उनको जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होते वो कम पैसे है, उनको एक लाइन में लगना पड़ता है, उनकी बारी आने पे अच्छी फैसिलिटी मिलती है, नो डाउट कि उनकी फैसिलिटी खराब, दोनों की फैसिलिटी सेम ही होती है, लेकिन क्या होती है कि जो जिनके पास पैसा है उन्हें जल्दी बुलाया जाता है, क्योंकि उसकी एक अलग लाइन होती है, अलग एक सेक्टर होता है, तो उनकी अलग सेक्टर होने लाइन होने के कारण उनको जल्दी बुलाया जाता है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं तो अच्छी बड़ी अच्छी खासी लाइन है तो एक लाइन से ही आती है। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारे जो इंडिया में वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिससे क्या हमारे जो हेल्थ के सेक्टर इंप्रूव होते जा रही है, और हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी अच्छा खासा इसमें काम कर रहे हैं। अभी इसमें हम दो एग्जांपल देखते हैं, पहला हम देखते हैं कि एग्जांपल केरला गवर्नमेंट का, 1996 में केरला गवर्नमेंट ने क्या क्या कि अपने जो पावर से स्टेट गवर्नमेंट किसको दे दी, पंचायती राज को, पंचायती राज को जो पावर थे ये पंचायती राज को वेल क्वालिफाइड पावर थे, जैसे कि फाइनेंशियल पावर उनको दिए, मतलब बजट बनाने का, स्टेट बजट बनाने का जो काम था वो पंचायत अपना खुद करता था, स्टेट बजट खुद बनाता था, उसके बाद जो प्रोग्राम था जो रिक्वायरमेंट थी वो पंचायत करना है, तो मतलब पंचायत का थोड़े थोड़े लोग होते थे अपने, वो अपने तरीका से बजट बनाते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, इसके कारण को पंचायत को, पंचायत के जो विलेजर थे उसको क्या जरूरत है, उसके कारण वो अपना प्रोग्राम बनाते थे, अपना प्रोग्राम बनाते अपना इम्प्लीमेंट करते, तो वो अच्छी तरीके से होता था, इसको क्या बॉटम टू टॉप अप्रोच कहा जाता है, मतलब कि जो जिसको जरूरत है वो अपना काम खुद कर ले, जिसके कारण क्या तो वो यहाँ पे स्कीम प्रोग्राम अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट होते थे, ये जैसे कि
उनको वाटर फैसिलिटी चाहिए, फूड फैसिलिटी चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन चाहिए, वो उनको अपने मालूम है, तो वो अपना काम करते थे और वो अपना ही देख लेते थे, जिसके कारण अच्छा से ये अपने स्कूलिंग जैसे आंगनबाड़ी हो गया, जो भी स्पेशल प्रॉब्लम थे उसको सॉर्ट आउट करके बहुत जल्दी ही अपना सॉर्ट आउट करके अपना अच्छा से रहते थे। इसके बाद हेल्थ सेंटर को इन्होंने अपने इम्प्रूव किया, क्योंकि ये पंचायत वाले अपने खुद सोचते थे, खुद करते थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लेवल, बहुत सारे प्रोग्राम को सॉर्ट आउट करके आज क्या मेडिकल स्टाफ, मेडिकल फैसिलिटी, जो मेडिकल बेड जो इनफ होते हैं वो अपना कर लेते हैं, अपने ही कर लेते हैं। इसी ऐसे इशू आप अपने पूरे देश में भी देख सकते हैं, बहुत सारे लेवल पे देख सकते हैं, बहुत सारे स्टेट इसको इम्प्लीमेंट भी किए हैं। अब ये हो गया। अब एक चलते एक और जो एग्जाम्पल रखते हैं कोस्टा रिका का, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये एक छोटी सी कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ही दे दिया क्या हेल्थ के बारे में। यहाँ पे क्या किया, बहुत सारे डिसीजन कौन लेते हैं, लोकल गवर्नमेंट ही लेते हैं, मतलब कि लोकल लोग लेते हैं, जो कैसे जो कैसे क्या करे। तो इन्होंने क्या किया, आर्मी पर ज्यादा पैसा ना खर्च करके उसके वजह में वो पैसा कहाँ खर्च किया, वो पैसा खर्च किए एडुकेशन पे, हेल्थ पे और बेसिक नीड जो होते थे उस पर खर्च किए। और कारण वहां पे जो गवर्नमेंट थे वो सेल्फ गवर्नमेंट बनी, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट वहां पर पीपल बने, तो ऑलरेडी सेल्फ डिपेंडेंट गवर्नमेंट बन गई, जिसके कारण आज के उनका हेल्थ केयर फैसिलिटी टॉप लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी होते, छोटे से देश से थोड़ी सी काम की और आज वो टॉप लेवल हेल्थ फैसिलिटी वहां से हो गया। मतलब यहाँ पर सेफ्टी ड्रिंकिंग वाटर है, साफ सुथरा के मामले में ये बेहतरीन है, न्यूट्रिशन फूड खाते हैं और अच्छी खास हाउसिंग फैसिलिटी होती है, ये सब इम्पोर्टेंट नॉलेज होने के कारण हुआ। मतलब वहाँ के लोग भी बहुत शिक्षित हुए, बहुत सारे एडुकेशन लेवल बढ़ा तो लोग शिक्षित हुए और बहुत सारे आगे बढ़ते गए। अब यहाँ पे कुछ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट में लिखा क्या, पब्लिक मतलब की ऐसी संस्था जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, टेलीफोन हो गया, मतलब की सर्विस हो गया, गवर्नमेंट बस हो गया, ये सब प्राइवेट हम लोग जानते हैं कि इंडिविजुअल के द्वारा चलाए जाते हैं वो प्राइवेट होते हैं। हाँ, मेडिकल टूरिज्म, एक ये अच्छी टर्मोलॉजी है, मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म पर एक वीजा बनता है, जैसे कि इंडिया में कोई अफ्रीका के कंट्री के लोग आ जाते हैं मेडिकल टूरिज्म वीजा लेके, मतलब एक दवा करने के मतलब हेल्थ के लिए वो वीजा लेते हैं और आराम से चले जाते हैं कोई भी देश में अच्छे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के लिए। यहाँ से भी लोग जो जैसे कि हमारे लीडर लोग ज्यादातर जाते हैं अमेरिका में जाते हैं अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए, हमारे जो फिल्म स्पोर्ट पर्सन होते हैं ये सब जाते हैं, हम लोग तो ज्यादातर नहीं जाते हैं, लेकिन उन लोगों के पास ज्यादा पैसा होने के कारण इंडिया को, उन लोगों को लगता है कि इंडिया का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए लोग विदेश जाते हैं मेडिकल टूरिज्म भी जाते हैं, ठीक है। तो ये मेडिकल टूरिज्म क्या हुआ कि जो दूसरे देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं वहां पे इलाज कराने के लिए। फिर कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसे डिजीज जो स्प्रे होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जैसे वो किसके माध्यम से हो सकते हैं, वो वाटर के माध्यम से, फूड के माध्यम से, ये सब माध्यम से हो सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना बेस्ट एग्जाम्पल है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चले जाते हैं, मतलब हमने हेल्दी पीपल को हेल्दी पीपल में वो डिजिट ट्रांसमीटर हो। फिर ये है ओपीडी आप जानते होंगे, तो ये ओपीडी डिपार्टमेंट लिखा होगा आपको, कहा सरकारी हॉस्पिटल के बड़ा सा डिपार्टमेंट होता है, आउटपेशेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जब सबसे पहले जो कोई भी मरीज जाता है तो इसी डिपार्टमेंट में जाता है, यहाँ पे पहला ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद वो कोई पर्सनल डिपार्टमेंट में उसको एडमिट किया जाता है, देखा जाता है, डॉक्टर उसको देखते हैं, फिर वो जैसे बीमारी को पता चलता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में हो जाता है शिफ्ट, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं इस क्लास को खत्म कर रहा हूँ, ये मेरा सेकेंड चैप्टर का क्लास खत्म हो रहा है। आप मेरे चैनल को लाइक करें या ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ मैं आप पढ़ाई जरूर करें, अगर मेरी पढ़ाई अच्छी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आगे आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।